नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला 13 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें लूट की बड़ी घटना में पहुंचे पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सड़क किनारे खड़ी जीप में सोते हुए चालक दिखाई दे रहे हैं। मामले के प्रकरण में स्कूल से लौट रही तीन छात्राओं से मोबाइल लूट का प्रयास हुआ था, जिसमें लूट के प्रयास के दौरान लुटेरों ने छात्राओं पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। साथ ही लुटेरों की बाइक की टक्कर से छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई थी। अस्पताल में भर्ती हुई घायल पीड़ित छात्राओं के पास किदवई नगर पुलिस पहुंची थी। उसी प्रकरण में पहुंचे सिपाही जीप में सोते नजर आए थे, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार खबरों के प्रकाशित के पश्चात भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे ये ज्ञात हो रहा है कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की नजर में सिपाही द्वारा ये कार्य सही है, या ऐसा प्रतीत किया जा सकता है कि सिपाही के कार्य से सिपाही को क्या ऐसे ही सह मिलती रहेगी या कोई कार्यवाही भी नहीं होगी। वीडियो वायरल के इतने समय हो जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न होना, ये वर्दी की शान को ठेस पहुँचाना जैसा कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कार्यवाही की बजाय चालक को क्यों बचाने में लगे हैं अधिकारी, और क्या अभी भी सोया हुआ है प्रशासन? क्या हो सकेगी किसी भी प्रकार की कार्यवाही? इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।